24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. 141 ಸಂಸದರ ಅಮನತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಘಟನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಜೀದ್ ಜಾಮುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ದೇಹದಂತೆ. 141 ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಘೋಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನಡೆಯನ್ನ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟೆಂಪಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ वहां पे जो है एक घटना घटी. क्या घटना घटी आप सब जानते हैं कि एक स्मोक बॉम्ब के लेकर एक 5-6 लोगों का टीम वहां पे जाके उसको एक्सप्लोड किया. और वहां पे उस वक्त अगर आप गौर करेंगे तो अपोजिट मानी रूलिंग गवर्नमेंट से जो है एमपी पीएम साहब हमारे मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा इसके अलावा बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है अपोजिशन रूलिंग पार्टी वाले कोई भी नहीं है. और वहां पर मिला कौन? ओनली अपोजिशन वाले वहां पर मौजूद थे. तो ये 2001 में अगर आप देखेंगे तो अफजल गुरु एक आदमी था जो टेररिस्ट था. उसने एक हल्ला किया था, उसको फांसी भी हो गई है 2013 या 17 में. लेकिन वहाँ पे वो इंडिविजुअल था, यानी वो हमारे संविधान से बोले तो एमपीज वगैरह से बाहर था. और यहाँ पे क्या हुआ है, प्रताप सिम्हा जो मैसूर के एमपी हैं उनका पास लेकर वो लोग अंदर जाते हैं. और कितना 25,000 करोड़ खर्चा करके जो पार्लियामेंट बना है, तो इसका सिक्योरिटी के बारे में कौन इसका जवाबदार है? अभी इसको बनाए हुए एक साल भी नहीं गुजरा और इतना बड़ा जो है हादसा वहाँ होता है. अगर फर्ज करो वो एक्सप्लोजो बम के जगह अगर वो स्मोक बम के बगैर कोई दूसरा बम होता तो आज हमारा हिंदुस्तान का नाक पूरा दुनिया में कट गया होता. और ये किसके वजह से हुआ है? जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट उनके थ्रू हुआ है और उनके एमपी के थ्रू जो है अलाउड पास उनको अलाउड किया गया है. तो अब जब अपोजिशन वाले उसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं कि इसके बारे में तफसील से चर्चा हो डिस्कस हो बोलकर जब पूछ रहे, तो ये हमारी मौजूदा गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनका ही जुबान उनको ही खामोश कर रही है और क्या बोल रहे हैं उनको सस्पेंड कर रही है. करना तो ये था कि प्रताप सिम्हा जो अपने ओहदे का मिसयूज किए हैं उस मिसयूज की वजह से उनको एज ए पनिशमेंट के तौर पर उनको उनका रिमेनिंग का जो बाकी का जो वक्त था बाकी का जो पीरियड था उसके लिए उनको डिसक्वालीफाई करना था. लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे. ये लोग क्या कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं. इतना बड़ा हल्ला हो गया पार्लियामेंट पे, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो उसके बारे में अगर चर्चा करने की जब बात कर रहे हैं तो इनको क्या कर रहे हैं ये लोग, सस्पेंड कर रहे हैं. और कितने, एक नहीं दो नहीं 141 एमपीज को. इमेजिन करो, ये हिंदुस्तान के अब तक के रिकॉर्ड में जो है नहीं सबसे बड़ा सस्पेंशन पीरियड है. और ये डेमोक्रेसी के वास्ते सबसे बड़ा खतरा, डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा कत्ल है डेमोक्रेसी का इन्होंने जो कर रहे. एक्चुअली इनको जो करना था वेरी नेक्स्ट डे प्रताप सिम्हा वाज टू बी अरेस्टेड एंड ही वाज टू बी इनके ऊपर पूरे तरीके से एक बेहतर तरीके से और क्लियर तरीके से इंक्वायरी जांच बिठाना था. और यहाँ पे हो क्या रहा है, सामने वालों को ही खामोश किया जा रहा है. तो मैं ये कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि हम आह भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा तक नहीं होता. तो भाइयों आप सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, तो डेमोक्रेसी खतरे में है. तो हम पूरे देशवासियों को जागना है और इसको एक सही और सही तरीके से राजनीति को चलाना है. अगर इस तरीके से चलता जाएगा तो सिर्फ तानाशाही बचेगा, अपोजिशन कोई नहीं रहेगा. जब तक अपोजिशन है तो पार्लियामेंट में एक बॉडी है, एक जिस्म है और उसमें रूह है. जब रूलिंग गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी जो है ना एक बॉडी है और अपोजिशन इसकी सोल है, और बॉडी और सोल में जो कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो क्या डेड बॉडी बन जाएगा. तो इसके लिए ये बेहतर है कि अपोजिशन को अपोजिशन के जिसकी जितना उनका हक है उनके अधिकार है उतना अधिकार उनको मिलना चाहिए. इस तरह से जुबान बंद करके काम नहीं चलेगा, इससे उल्टा मौजूदा गवर्नमेंट का नाम खराब होगा. तो इसलिए हम आज ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे कर्नाटक में प्रोटेस्ट हो रहा है एसडीपीआई वालों की तरफ से. इन संसद में बहुतेक
ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಕೊರತಿರಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಮಾನತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಕಾರಣ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ TV24 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.